हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और रिजल्ट का सीजन आ गया है और हम बात करने वाले हैं दिग्गज कंपनी की, जो मार्केट में दिग्गज कंपनी है उनके रिजल्ट से रिलेटेड, और देखेंगे उनके रिजल्ट किस तरीके से आए हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। एज वेल एज यहाँ पर बहुत सारी 3 वीडियो ऑलरेडी आज की डेट में मिल चुकी है, इन वीडियो को देख लीजिएगा। ये शेयर आपको भागते हुए दिखाई देंगे, प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है, सीखिए, सीख के यहाँ पर इन्वेस्ट करिए, अच्छा खासा पैसा बनेगा। और नए लोग मार्केट में आए हैं उनके लिए सीखना बहुत जरूरी है, बिना सीखे किसी की भी वीडियो देख के यहाँ पर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपके लिए घाटा होगा। बट इन्वेस्ट सीख के आप इन्वेस्ट करेंगे किसी की भी वीडियो से तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर पैसा बनते हुए दिखाई देगा, लॉन्ग लास्टिंग जिसे कहते हैं ना, आप मार्केट में रहोगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और एक एक करके रिजल्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे HAP, ये कंपनी है हडसन। तो इस कंपनी से रिलेटेड अगर हम देखें तो काफी दिग्गज कंपनी है, इन्होंने 6 रुपए का यहाँ पर डिविडेंड दिया है। और अगर हम बात करें यहाँ पर इस कंपनी के रिजल्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का हडसन एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी है। आई थिंक ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पर प्रोडक्ट बनाती है। इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है। और हम बात करें, ये इस बार के रिजल्ट है Q1 के, ये Q4 के रिजल्ट है, और ये Q1 के लास्ट ईयर के रिजल्ट है। अगर हम देखें टोटल इनकम की, तो 1,54,615 लाख इन रुपीज की इनकम है। इससे पहले 1,57,000 थी, इससे पहले 1,28,000 थी। तो अगर बात करें ईयरली बेसिस पे, तो ईयरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। बट क्वार्टरली बेस की बात करें, तो क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर थोड़ी बहुत इनकम में यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है। इसके अलावा हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की, तो टोटल एक्सपेंस भी देख सकते हैं 1,47,154 लाख इन रुपीज का यहाँ पर एक्सपेंस है। इससे पहले 1,48,301 था, इससे पहले 1,19,786 था। तो अगर बात करें ईयरली बेसिस पे एक्सपेंस तो बढ़े हैं, बट क्वार्टरली बेसिस पे एक्सपेंस घटते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड, दो चीज देख सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड की टैक्स देने के बाद, तो 5,832 लाख रुपीज का प्रॉफिट है। इसका मतलब है 58 करोड़ के आसपास का, इससे पहले 57 करोड़, इससे पहले 56 करोड़, माफ करिएगा अगर गलती हो। तो यहाँ पर अगर बात करें 5,832 लाख रुपीज, इससे पहले 5,713, इससे पहले 5,610 लाख रुपीज का यहाँ प्रॉफिट था। तो मतलब ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेस पे कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि अच्छी बात है, जो कि बताती है इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी आगे चल के ग्रो करेगी। और 2.71% का यहाँ पर सॉरी 217 रुपीज का EPS है, इससे पहले 2.65 था, इससे पहले 3.5 था। अगर बात करें ईयरली बेसिस पे EPS घटता हुआ नजर आ रहा है, बट क्वार्टरली बेसिस की बात करें यहाँ पर EPS बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कंपनी की अच्छे खासे परफॉर्मेंस किया है, कल की डेट में इस कंपनी पे नजर रखना, ये भागती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम बात करते हैं इंफोसिस, मार्केट में दिग्गज, इंडिया का नंबर सेकंड आईटी में यहाँ पर कंपनी है ये। अगर हम बात करें यहाँ पर इसके कंसोलिडेट रिजल्ट है, और रिजल्ट इन करोड़ में है। तो अगर हम बात करें इस बार के रिजल्ट, ये Q4 के रिजल्ट, अगर बात करें टोटल इनकम की, तो 28,518 करोड़ के यहाँ पर इनकम है इस बार की, इससे पहले 26,856 था, इससे पहले 24,140। तो अगर बात करें ईयरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया, और क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। तो ऐसी कंपनी बताती है कि वी आर द किंग ऑफ द इंडस्ट्री, तो दे आर द किंग ऑफ द इंडस्ट्री। इसके अलावा बात करें टोटल एक्सपेंसिस की, तो अगर एक्सपेंस देखे 21,342 करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंस हुआ, इससे पहले 19,921, इससे पहले 18,348। तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे एक्सपेंस ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बट अगर बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, जो मेन है, तो 5,201 करोड़ का प्रॉफिट है, इससे पहले 5,078 था, इससे पहले 4,272 करोड़ था। ईयरली बेसिस पे कंपनी ने लगभग 1,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमाए हैं, और क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर बाईबैक से रिलेटेड भी यहाँ पर इनका चल रहा है, तो कंपनी यहाँ पर भागते हुए दिखाई देगी। यहाँ पर अगर बात करें दिसंबर तक की, तो ये 2,000 के लेवल को टच कर सकती है, 1,500 कुछ रुपए का शेयर चल रहा है, इसकी तरफ नजर बनाइएगा, कल ये शेयर भागता हुआ दिखाई देगा। बेसिक ईपीएस की बात करें, तो 12 रुपए 24 पैसे का ईपीएस है, इससे पहले 11 रुपए 96 पैसे, इससे पहले 9 रुपए 98 पैसे। तो ईपीएस ही बताता है कि आपको अच्छा खासा ये कंपनी ने परफॉर्म करके दिखाया है। सेगमेंट वाइज किस तरीके से रेवेन्यू आया है वो आप यहाँ देख सकते हैं, रेवेन्यू फाइनेंशियल रेवेन्यू सर्विसेज से रेवेन्यू बढ़ते हुए दिखाई दिए, रिटेल में यहाँ पर रेवेन्यू इनके बढ़ते हुए दिखाई दिए। कम्युनिकेशन की बात करें, वो यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे। एनर्जी की बात करें, एनर्जी में यहाँ पर इनका बढ़ता
हुआ दिखाई दे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में बात करें, मैन्युफैक्चरिंग में भी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है, हाई टेक में भी, लाइफ साइंस में भी, एज वेल एज बात करें ऑल अदर सेगमेंट में भी यहाँ पर कंपनी के अच्छे खासे यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है कल की डेट में, यहाँ पर इनकी तरफ ध्यान रखिएगा, ये शेयर भागते हुए आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा हम बात करें डिविडेंड, तो डिविडेंड तो अभी कुछ यहाँ पर डिविडेंड देती हुई नजर नहीं आई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर एक और कंपनी, दिग्गज कंपनी जो अभी आईपीओ आता हुआ दिखाई दिया था, क्राफ्ट्समैन। क्राफ्ट्समैन की अगर हम बात करें तो क्राफ्ट्समैन पे देखिए, मैंने लास्ट टाइम कुछ टाइम पहले भी बताया था कि ये शेयर भाग रहा है और ये भागता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा काफी फंडामेंटली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग शेयर यहाँ पर नजर आता है। ईपीएस यहाँ पर डिविडेंड दिया है तो आप प्लीज बताइएगा। बाकी अगर इसके रिजल्ट देखते हैं तो ये कंसोलिडेटेड, ये स्टैंड अलोन रिजल्ट है, इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है। टोटल इनकम देखे तो ये इस बार का रिजल्ट है, ये Q4 के, ये Q1 के इस बार के रिजल्ट है। अगर 43,583 लाख रुपीस का यहाँ पर इनकम है, इससे पहले 54,000 था, इससे पहले 16,000। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है, बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट भी है, इस चीज को देखिएगा। एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं 39,931 लाख का यहाँ पर एक्सपेंस है, इससे पहले 46,649 था, इससे पहले 18,809 था। तो ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा यहाँ पर एक्सपेंस बढ़ा है, बट क्वार्टरली बेसिस पे एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ रेवेन्यू। और अगर बात करें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अदर इनकम भी लास्ट क्वार्टर में ज्यादा थी, इस वजह से भी यहाँ पर थोड़ा बहुत इफेक्ट आया है। इसके अलावा बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टैक्स एज वेल एज एक्सपेंस निकालने के बाद रेवेन्यू में से जो बचता है या प्रॉफिट फॉर द पीरियड होता है, 2,407 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, इससे पहले 4,728 था, इससे पहले 1,623 रुपीज का यहाँ पर घाटा था। कंपनी प्रॉफिट में आ गई है ईयरली बेसिस पे, बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर लगभग 50% की गिरावट है, और ये 50% की गिरावट बहुत ज्यादा होती है। तो कल की डेट में ये शेयर शायद आपको बहुत ज्यादा गिरता हुआ दिखाई दे, तो थोड़ा सा नजर बनाइएगा। ईपीएस भी देखिए, यहाँ नेगेटिव से प्रॉफिट में आ गया, बट यहाँ पर हाफ होता हुआ दिखाई दे रहा है इनका क्वार्टरली बेसिस पे ईपीएस। तो इस कंपनी से नजरें बनाइएगा, अच्छा शेयर है, बट स्टिल अगर बात करें यहाँ पर गिरावट होती हुई हमें नजर आई है। और बात करते हैं दूसरी कंपनी, द टिन प्लेट कंपनी, ये भी टाटा की एक कंपनी है। और अगर हम बात करें इसके रिजल्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार हम इसके क्वार्टर यहाँ पर स्टैंड अलोन थे, यहाँ पर इसके बात स्टैंड, ये स्टैंड अलोन है, कंसोलिडेट रिजल्ट बेकार थे, स्टैंड अलोन रिजल्ट भी देख लेते हैं। स्टैंड अलोन रिजल्ट यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें, हाँ उसमें भी गिरावट है, इसमें भी कुछ फर्क नहीं है। इसके अलावा टिन प्लेट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इसके रिवेन्यू अगर हम देखते हैं, टोटल इनकम, ये इस बार के रिजल्ट, ये Q4 के, ये Q1 के, इस बार के इन लैक्स में रिजल्ट है 87,439 लाख रुपीज का यहाँ पर इनकम है, इससे पहले 76,000 था, इससे पहले 38,000। तो कंपनी ने ईयरली बेसिस पर दुगने से ज्यादा प्रॉफिट किया है, सॉरी इनकम करी है, बट ये क्वार्टरली बेसिस पर थोड़ी सी यहाँ पर ज्यादा इनकम, क्वार्टरली बेसिस पर भी अच्छा खासा परफॉर्म किया है। अगर बात करते हैं टोटल एक्सपेंसेस की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल एक्सपेंसेस यहाँ, तो यहाँ पर 78,236 लाख रुपीज का एक्सपेंसेस, इससे पहले 68,838, से पहले 39,101 लाख रुपीज का। तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पर एक्सपेंसिस बढ़ा है। और बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो 6,861 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, इससे पहले 5,615 था, इससे पहले कंपनी घाटे में थी 690 लाख रुपीज का। तो अगर बात करें ईयरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया, बट क्वार्टरली बेसिस पे भी अच्छा खासा ही परफॉर्म किया है। तो जो कि ईपीएस बता सकता है, नेगेटिव से प्रॉफिट में आ गया 6.56 रुपए, इससे पहले 5.37 रुपए का ईपीएस था। तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, ये शेयर कल की तरह भाग सकता है। इसके अलावा बात करते हैं LTTS, लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये भी एक दिग्गज शेयर है। लास्ट टाइम इसके रिजल्ट फीके आए थे, जिस वजह से शेयर भागा ही नहीं बिल्कुल, बट अभी रिजल्ट अच्छा आया तो कल की डेट में भागता हुआ दिखाई देगा, जैसे आज माइंडट्री भाग के दिखाया, इसी तरीके से आज ये भी शेयर भाग गया। इन मिलियंस में रिजल्ट है। टोटल इनकम की बात करें 15,626 लाख रुपीज का यहाँ पर मिलियंस रुपीज की यहाँ पर इनकम है, इससे पहले 14,751 था, इससे पहले 13,084 मिलियंस रुपीज था। तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे इनकम बढ़ी है। एक्सपेंस की बात करते तो 12,669 लाख रुपीज का यहाँ पर इनकम है, इससे एक्सपेंस है, इससे पहले 12,139 था, इससे पहले 11,487 था। तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ नजर आया है। और बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो 2,170 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, इससे पहले 1,953 था, इससे पहले 1,180 था। तो ईयरली बेसिस पे यहाँ पर कंपनी ने लगभग 2x परफॉर्म किया है, बट ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे भी अच्छा खासा परफॉर्म किया है, जो कि इसका ईपीएस बता देगा 20.57 रुपए का ईपीएस है। एक साल पहले 11 रुपए का ईपीएस था, इससे पहले 18.54 रुपए का यहाँ ईपीएस था। तो कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है, ये कंपनी कल आपको भागती हुई दिखाई देगी। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू अगर आपको देखना है, तो
यहाँ पर देख सकते हैं इनका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन में। प्लांट इंजीनियरिंग की बात करें तो वो भी यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली बेस पर बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात करें वो भी ईयरली क्वार्टरली बेस पर बढ़ रहा है। मेडिकल डिवाइसेस की बात करें वो भी क्वार्टरली बेसिस पे लगभग सेम है और ईयरली बेसिस की बात करें तो वो जंप है। टेलीकॉम एंड हाईटेक की बात करें तो ईयरली क्वार्टरली बेस पर यहाँ पर भी जंप है जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर और भी एक कंपनी की, तो एक और दिग्गज कंपनी 5paisa कैपिटल लिमिटेड। इस कंपनी के रिजल्ट से पहले बताना चाहता हूँ कि इसके रिजल्ट जिस तरीके से भी होंगे कल की डेट में ये शेयर तो भाग के दिखाएगी ही दिखाएगा, अच्छा हुआ। इसके अलावा दूसरे जो दिग्गज शेयर है आईसैक हो गया एज वेल एज बात करें यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग हो गया और दूसरे जितने भी आपके ब्रोकिंग फर्म है उसके शेयर की तरफ नजरें रखिएगा, वो सारे के सारे भागते हुए दिखाई देंगे। तो उनमें अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है उस पर्पज से भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के भी हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि 1 से 2 करोड़ कस्टमर यहाँ पर अभी फिलहाल में जुड़ते हुए दिखाई दिए। तो अगर इनलेक्स में अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनलेक्स में यहाँ पर रिजल्ट है ये इस बार के Q4 के Q1 के। टोटल इनकम की बात करें तो 6,080 लाख रुपीज का यहाँ पर इनकम है, इससे पहले 4,980, इससे पहले 4,237। तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे इनकम इनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा टोटल एक्सपेंस की बात करें तो 5,055 लाख रुपीज, से पहले 4,163, इससे पहले 3,837 लाख रुपीज। तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे एक्सपेंस ही बढ़ रहा है। बस अगर बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड की जो कि आपके सामने है, जो कि 748 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, इससे पहले 611, इससे पहले 299। तो अगर बात करें ईयरली बेसिस पर कंपनी ने 2x से भी ज्यादा परफॉर्म किया है और क्वार्टरली बेसिस पर भी कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है, जो कि ईपीएस बता देगा ₹2.57 का ईपीएस है, इससे पहले ₹2.54 का ईपीएस था, इससे पहले ₹1.57। तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पर ईपीएस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कल की डेट में अगर हम बात करें तो ये शेयर भागता हुआ दोबारा दिखाई देगा जिस तरीके से अपर सर्किट इसमें पहले लग रहे, तो शायद दोबारा अपर सर्किट में ये कंपनी जा सकती है। बट एक बार यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसके रेवेन्यू यहाँ पर ये इनके कंसोलिडेट रिजल्ट है, कंसोलिडेट रिजल्ट भी अगर हम देखते हैं तो कितना प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो सेम ही यहाँ पर प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अगर हम इसके सेगमेंट वाइज हमें दिख नहीं रहा है, सेगमेंट वाइज एक बार देखिएगा अगर ब्रोकिंग फर्म में, क्योंकि इनके आई थिंक दूसरा बिजनेस भी है लोन से रिलेटेड, तो वो भी देखना पड़ेगा। बाकी इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे खासे आए और दूसरे ब्रोकिंग फर्म के भी रिजल्ट अच्छे खासे आएंगे क्योंकि उनके भी कस्टमर बढ़ते हुए दिखाई दिए, तो यहाँ पर कंपनी की तरफ नजरें बनाइएगा। इन सभी कंपनी के रिजल्ट एक आध कंपनी को छोड़ के सबके रिजल्ट बेहतरीन आए हैं, नजरें बना के रखिएगा, अच्छे खासे कल की डेट में भागते हुए दिखाई देंगे और बेहतरीन यहाँ पर आपको पैसा कमाते हुए ब्रोकिंग फर्म दिखाई देगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे और ब्रेकआउट शेयर से रिलेटेड भी वीडियो मिलती रहे और आप सीखते रहे और सीख के पैसा कमाते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।